नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। SSC GD के 17 नवंबर के जो सेकंड शिफ्ट के प्रश्न हैं, हम उनको करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले सभी लोग चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो गया, रानी अहिल्याबाई होलकर। इन्होंने 1000 किलो सोना से बनवाया था काशीनाथ का मंदिर को। अगला सवाल पूछा था, ये काफ़ी अलग टाइप का सवाल, आसान भी था, कि नीरज चोपड़ा किस जिले से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत से संबंधित है। इनके गांव का नाम है खादरा गांव। अगला सवाल पूछा था, बेम्बनाद झील का किस राज्य से संबंधित है? तो बेम्बनाद झील है केरल में। अगला सवाल पूछा था कोई नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा को हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। अगला सवाल सही से मिल नहीं पाया। ऐसे पूछा था, दिल्ली पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? अगला प्रश्न पूछा था, PMGSY का फुल फॉर्म क्या है, यानी प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला सवाल पूछा गया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में भूमि समझौता हुआ था, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच 100वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला सवाल पूछा था, रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि करंट में रत्नावली नाम की किताब को लिखा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, लेकिन पुरानी रत्नावली किताब के लेखक हैं तुलसीदास। अगला सवाल पूछा था, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर तो आपको पता ही है, पेरिस के अंदर। अगला सवाल पूछा था, उज्ज्वल को शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखिए। एक और शुद्ध वर्तनी के रूप में पूछा गया था, तिरस्कार को शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखें। अगला सवाल पूछा था कि यस बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो यस बैंक का संस्थापक हैं राणा कपूर। अगला सवाल है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये थे विजय सिन्हा। अगला सवाल पूछा गया था कि मरुस्थल में, यानी थार मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है लूनी नदी। अगला पूछा गया था, ओलंपिक कांग्रेस की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो ओलंपिक कांग्रेस की पहली बैठक 1894 में हुई थी, जिसमें पियरे डी कुबर्टिन ने इसको आयोजित करवाया था। बाकी 1896 में पहली बार ओलंपिक शुरू किए गए। अगला सवाल था कि कौन भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी? तो इसका सही आंसर होगा बीबी नागा रत्नम। अगला सवाल पूछा था, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब से पूरे भारत में लागू हुई? तो इसका सही आंसर होगा मार्च 2021। आगे दो मुहावरे पूछे थे। पहला मुहावरा था, पांव उखड़ना मुहावरे का क्या मतलब है? और दूसरा पूछा था, पांव पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका क्या अर्थ है? तो हिंदी के जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर आप खुद लिखेंगे कमेंट में। आगे आता हूँ। आगे अगला सवाल पूछा था तराइन के युद्ध से, लेकिन ये नहीं पूछा था, बताया गया कि कौन सा तराइन का युद्ध पूछा गया था, पहला दूसरा ये नहीं पूछा गया, ये नहीं बता मिला। अगला सवाल पूछा था, हीमोग्लोबिन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन कारण बनता है एनीमिया रोग का, इसका सही आंसर होगा एनीमिया। अगला सवाल पूछा था, गिरी का पर्यायवाची बताइए, गिरी का पर्यायवाची। अगला सवाल पूछा था, उल्गा लांदा पेरुमल मंदिर किस भगवान को समर्पित है? उल्गा लांदा पेरुमल मंदिर कांचीपुरम में है, तो ये पूछा किस भगवान को समर्पित है? तो उसका सही आंसर था भगवान विष्णु को। अगला सवाल पूछा था कि अनुच्छेद 76 किस से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला सवाल पूछा था, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर आपको पता है, फिरोज शाह तुगलक। अंतिम सवाल जो अभी मिला है,
कि दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया था? दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर था विराट कोहली। धन्यवाद।